एक कुरेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली में स्टॉक आइटम को क्रिएट करना। इसके लिए गेटवे और टेली के स्क्रीन में से हम इन्वेंटरी इन्फो को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। हमारे सामने इन्वेंटरी इन्फो की स्क्रीन ओपन आ जाती है। अब यहाँ पर से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हैं। स्टॉक आइटम्स जो आपको ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करते हैं, उसको एंटर को प्रेस करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टॉक आइटम्स में से यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम और यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम्स दो तरह का ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले हम सिंगल स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से क्रिएट का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है। यहाँ से नाम टाइप करेंगे जो भी स्टॉक को हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ टाइप करते हैं बासमती चावल, उसको एंटर प्रेस करते हैं। इसका कोई दूसरा नाम भी देना चाहते हैं पहचानने के लिए तो दे सकते हैं, फिलहाल से रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में हमारा ये बासमती चावल है, तो इसके पहले हमने वाले ट्रेड में हमने ग्रुप तैयार किए थे, तो ग्रुप में से यहाँ से हम चावल को सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट्स, यूनिट्स में से हम यहाँ पर क्विंटल को सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है इसे फिलहाल भी रहने देते हैं, आने वाले ट्रेड में इसको सीखेंगे। क्वांटिटी, हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी हमारे पास पहले से क्या क्वांटिटी है सो इसमें एंटर करना है। जैसे कि हमारे पास पहले से चार तीन क्विंटल अगर चावल है तो यहाँ पर थ्री टाइप करेंगे, उसको एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रही है गोदाम कि ये चावल जो है कौन सा गोदाम में है, गोदाम वन या गोदाम टू में, तो इसमें से गोदाम वन को सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है रेट, रेट में यहाँ पर इसका जो रेट है वो हम इंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4000 टाइप करते हैं, जो भी आपका रेट होगा वो आप टाइप करेंगे। इसमें हम फिलहाल के लिए सीखने के लिए टाइप कर रहे हैं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विंटल का ऑप्शन है, उसके बाद देखते हैं हमारा अमाउंट कितना हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे 4000 करके है, तीन क्विंटल का दाम हो गया हमारा 12000 रुपये। फिर इंटर प्रेस करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, इंटर प्रेस कर देते हैं। उसी तरह से फिर दूसरा हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, परमल चावल, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। इसे भी हम चावल ग्रुप में रखेंगे, इंटर प्रेस करते हैं। इसका यूनिट्स लेते हैं क्विंटल, इंटर प्रेस करते हैं, इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। क्वांटिटी में यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैसे कि 4, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद से लिस्ट ऑफ गोडाउन में सेलेक्ट करते हैं, इसमें से गोडाउन वन ही सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। क्वांटिटी इसमें टाइप करते हैं 4 ही रहने देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। रेट यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ भी, जैसे कि 5000, इंटर प्रेस करते हैं। अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर आ चुका है, 4 क्विंटल का 5000 के अनुसार यानी 20000 रुपये, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। एक्सेप्ट ऑप्शन आता है, इंटर प्रेस करते हैं। इस तरह से फिर से हम यहाँ पर स्टॉक क्रिएट करते हैं, मसूर, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हम यहाँ पर दाल को सिलेक्ट करते हैं कि मसूर हमारा दाल है, उसको इंटरप्रेस करते हैं। सो यूनिट में से हम क्विंटल को सिलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है यानी हमारा जो पहले से हमारा चावल है दाल है वो कहाँ पर रखा हुआ है ये भी हमारा शो करते हैं। पहले हमारा क्वांटिटी शो कर दी, कितना क्वांटिटी हमारे पास है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 क्विंटल है, 2 टाइप करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है लिस्ट ऑफ गोडाउन से कौन सा गोडाउन में हमारे पास है पहले से, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा गोडाउन 2 में, तब 2 को सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर प्रेस करेंगे, उसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रेट इसमें पूछा था, तो रेट इसमें टाइप करेंगे जैसे 7000, इंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। देखते हैं यहाँ पर अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर आ चुका है, 2 क्विंटल का चावल का दाम होगा 7000 का, 14000 रुपया। फिर इंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एंटर प्रेस करते हैं। इस तरह से फिर से हम क्रिएट करते हैं मूंग दाल के लिए, मूंग टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। हमारा ये दाल का ग्रुप में है इसलिए दाल को सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। क्वांटिटी क्विंटल सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मान लेते हैं इसमें 2 है, 2 क्विंटल है, इंटर प्रेस करते हैं। और गोदाम में से मान लेते हैं गोदाम 2 में सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। और फिर यह क्वांटिटी में से 2 ही रहने देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। रेट हमारे यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे कि 8000, इंटर प्रेस करते हैं। देखते हैं 8000 करके 2 क्विंटल का दाम हो हमारा 16000 रुपये। फिर इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, इंटरप्रेस करते हैं। इस तरह से आज हमने ट्रेनिंग में सीखा
स्टॉक आइटम को क्रिएट करना। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।